क्या लोकल जींस क्या लूज है क्या? हाँ यही कमर 1.5 इंच। लगभग इतना इतना 1.5 इंच टाइट कर हाँ रहा है ना, हाँ बाकी समूचा ओके है ना। हाँ ठीक सिर्फ कमर को टाइट कर देंगे हाँ और तब फिटिंग पहनने में अच्छा लगेगा ना। चलिए इस वीडियो में लोगों को देखने को सीखने को मिलेगा जींस को टाइट कैसे करें दोस्तों घर पर आसानी से 2024 में। चलिए वाला दोस्तों जींस पैंट की कमर टाइट कैसे करें दोस्तों, ये एक वीडियो मेरा दोस्तों 2 साल पुराना है, उसमें लगभग 2 लाख आदमी ने देखा है दोस्तों, उसमें से बहुत आदमी को फायदा हुआ। अभी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। पहले ये वीडियो देख लीजिए, जींस पैंट की कमर टाइट कैसे करें दोस्तों 2024 में। ये शॉर्टकट और बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ, और आप इजी आपका जो घर पर छोटा मशीन हो या बड़ा मशीन हो, छोटा मशीन पर सिलाई नहीं हो पा रहा है तो उसमें क्या सेटिंग करना पड़ेगा ताकि आप जींस सिलाई कर लीजिएगा। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और सुई कितनी नंबर की होनी चाहिए वो भी बताएंगे दोस्तों, धागा कौन सा धागा लगाना चाहिए वो भी बताएंगे, मैंने कहने का मतलब A to Z आपको पूरा विस्तार पूर्वक बता दिया जाएगा। सबसे पहले मैं कमर को नाप करके देख लेता हूँ कितना इसमें पैंट में कमर है, ठीक है। और दोस्तों देखिए ये कमर कितना है, 31 इंची कमर है, ठीक है। तो बनाना है दोस्तों कितना बताया कि 29 इंची, हमने 2 इंची टाइट करना है, 2 इंची टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका पॉकेट थोड़ा सामने आ जाएगा, ठीक। मैं यहीं पर टाइट करने वाला हूँ दोनों तरफ, ठीक है। तो इस जगह को थोड़ा खोलना पड़ेगा, इधर भी खोलना पड़ेगा, चलिए खोलते हैं। सबसे पहले लूप स्टिकर को खोलना है, और इस तरह से मैं खोल रहा हूँ दोस्तों, पहले धागा को काट काट करके देखिए, एक तरफ काटने के बाद इस तरह से खींचिएगा, अपने आप खोलते जाएगा, ठीक है। इस तरह से झंझट ज़्यादा नहीं है, देखिए ये कमर पट्टी मैंने खोली, देखिए ये कमर पट्टी इसका जैसे देखिए 8 इंच है, तो मिडिल हो गया 4, और यहाँ पर इधर भी 1 इंची, इधर भी 1 इंची, 2 इंच हमको टाइट करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से इधर हाफ, इधर भी हाफ ले लीजिए, ठीक है। 1 इंच और एक इधर एक इंच टाइट होगा, और इधर भी यहाँ पर भी 1 इंच टाइट होगा, देखिए इस तरह से आपको चौक का दाग लगा देना है, ओके। देखिए ये भी 1 इंच, इधर भी 1 इंच, इसी तरीका से 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच टाइट आराम से कर लीजिएगा, मैं 2 इंच टाइट करने वाला हूँ। और सुई दोस्तों, यह इसमें सुई मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों 21 नंबर, आप 19 या 21 नंबर सुई लगा लीजिएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी लगा चुके हैं, ठीक है। ये दोस्तों जींस का ही धागा है, ये मोटा है, मगर क्या है दोस्तों ये मैचिंग नहीं हो रहा है, ये मैंने कहने का मतलब ये थोड़ा हल्का पीला है। जींस जिस धागा से सिलाई किया गया जिस रंग से वही रंग लेना है, तो मेरा मैचिंग नहीं है, या मैं पेंट धागा मैचिंग है उसी से सिलाई करने वाला हूँ। आप इसी तरीका से 2 इंची 3 इंची तक कर सकते हैं, ज़्यादा कीजिएगा तो वो अलग वीडियो मैंने बना चुके हैं, उसमें आप उसमें हिप भी आपका फिटिंग हो जाएगा, इसमें सिर्फ कमर टाइट हो रहा है, हिप फिटिंग इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीका से आप आसानी इस तरह इस जगह में देखिए दोस्तों, इस तरह से सिलाई किया गया, तो यहाँ पर डबल सिलाई आपको दे देना है, सेम उसी तरह से इधर भी, डबल डबल सिलाई यहाँ पर दे देना है। ये मैंने ये देखिए ये पैंट तरफ मेरा हो गया, अब ये कमर पट्टी है ना उसमें करना है बस, क्योंकि दोनों जगह में टेकिन मैंने लगा दिया, ठीक है। इस तरह से टेकिन लग गया, अब काट लीजिए, तो आपको देखिए ऊपर तरफ ये ऊपर ऊपर इस तरह से आपको सेटिंग करना है, जैसे ये ऊपर वाला पट्टी है, कमर पट्टी ऊपर वाला, इस तरह से लिया, इस तरह घुमा दिए, और इस तरह से यहाँ पर आपको 2 इंची है ना, तो 2 इंची आपको यहाँ पर दाग लगा करके आपको सिलाई कर लेना है, जितना आपका ज़रूरत है उतना आप लगा लीजिएगा दाग। जींस पैंट में कमर को टाइट कर लीजिएगा, कमर बड़ा है तो कमर को छोटा कर लीजिएगा, वाला हो गया पट्टी, आप नीचे वाला, ये जींस का नीचे वाला, तो नीचे वाला भी इसी तरह से भी आपको देखिए 2 इंच टाइट कर लिए, जैसे दोनों तरफ कर लेते हैं, बस ये कमर पट्टी देखिए इस तरह है, कमर पट्टी नहीं इस तरह से मोड़ कर सिलाई चला देंगे, इसके बाद ऊपर से आप सिलाई और एक बार लगा देंगे इस तरह से, अब इस तरह से दोनों इस पट्टी को भी चिपका करके सिलाई कर देंगे। ये पहले इसको ऊपर वाला को हम पहले ज्वाइंट कर लेते हैं, ताकि
ये मेरा सिलाई छोटा तरफ हो चुका है दोस्तों, इस तरह से हम नीचे तरफ में कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से और स्लो स्लो चलाइएगा, यदि आपका सिलाई में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर क्या कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा तेल लीजिएगा, तेल जैसे लेने के बाद इस तरह से लीजिए हाथ में और यहाँ पर इस तरह सुई में थोड़ा लगा दीजिए, ठीक है। आपको छोटा मशीन है तो थोड़ा धीरे से चलाइएगा और सेटिंग जो जो है दोस्तों वो सेटिंग आपको करना पड़ेगा। यदि आपका 103 मशीन है, जूगी मशीन है, तो फिर भी यहाँ पर भी थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा कुछ सेटिंग करना है, यानी चाप को थोड़ा ऊपर उठाना है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, मेरा ये सिलाई कमर पट्टी मैंने सिलाई कर चुके हैं, ठीक है। लेना जीन्स पैंट का लूप और स्टिकर जो खोले थे उसको आप सिलाई करना है, जो कि मैं सिलाई कर रहा हूँ। एकदम आसान तरीका से आप जीन्स को टाइट कर लीजिएगा, जो जो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। चलिए अभी नापी करके देखते हैं और इसको सीधा करते हैं। दोस्तों देखिए, ये जीन्स मैंने ये कमर को टाइट कर दिए दोस्तों, सिर्फ दो टैकिंग लगा दिए कमर पट्टी को खोल करके। यहाँ से आप 2024 में जीन्स कमर यदि आपका लूज है 1 इंची 1.5 इंची तो इस तरीके से कर लीजिएगा, और यदि ज़्यादा लूज है 2 इंची 3 इंची 4 इंची 5 इंची यदि आपको टाइट करना है तो उस वह वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा या इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिलेगा, तो उसको यहाँ से आपको काट करके इसको टाइट करना पड़ेगा ताकि ये हिप भी आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। छोटा मशीन भी आपके घर पर है तो आप कैसे इसको सेटिंग कीजिएगा, क्या सेटिंग करना है, तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख करके उस मशीन को भी आप लोग सेट कर लीजिएगा ताकि आपका जींस सिलाई आराम से हो जाए। अभी दोस्तों नापी करके देखते हैं ये कमर मेरा 29 इंच हुआ या नहीं हुआ, इस तरह से आप सिलाई कंप्लीट होने के बाद नापी करके आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये 29 इंची मैंने कमर को खड़ा कर दिया, यानी 2 इंची इस जींस को मैंने टाइट कर दिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये वीडियो ये तरीका आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सिलाई संबंधित सिलाई से रिलेटेड आप लोग को वीडियो मिलती रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।